हम आज एक और नई जगह आए हैं जिसका नाम है धारकोट, जो है थानों से कम 5 किलोमीटर ऊपर, मतलब पहाड़ी इलाका है धारकोट जिसे बोलते हैं। तो वैसे हम रास्ता भटक गए हैं और हम फैमिली पिकनिक पे आए हैं। वेल, मेरे साथ है दोबारा से भावना। ये देखिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं यार, बहुत थक गए हम। अच्छा, और ये देखिए, ये मुसाफिर और अभिषेक और ये सब, ये पूरी फैमिली है। मम्मी मम्मी इन्हें देखा, हाय बोला वाला तू। ये देखिए, चलिए जब हम रास्ता ठीक से ढूंढ लेंगे, एग्जैक्ट मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो हम आगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या एक्टिविटीज करने हैं। वैसे हम पिकनिक मनाने वाले हैं और हम यहीं पे जंगल में कुकिंग करने वाले हैं। और काफी ज्यादा, जैसे देख सकते हैं कि कोहरा छा रखा है, पूरा बारिश जैसा मौसम हो रखा है। क्या बोलना है तुम? बोले हम पहुंचे धारकोट कक्षयु गांव। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है कोटदार जा रहे होंगे। अरे आज भावना कुछ बनाई? पहले तो खाना बनाना, तभी खाना। चलो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी फंस चुकी है संकरा मार्ग है यहाँ पे संकरा। हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही थी, ये देहरादून के फर्स्ट गियर कैफे की तरह हो गया है, जो कि फर्स्ट गियर पे ही चढ़ रही थी और गाड़ियाँ नीचे फिसल रही थी, ठीक है। बट हम अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, थोड़ा गाड़ी का लोड कम करके। भावना अब देखिए, गाड़ी आगे चली गई है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ गई है। मेन रोड जो नीचे वाली आ रही थी, चल जाएंगे ऊपर है। यहाँ पे हेलीपैड पर काम चल रहा है ऊपर। बुई धाम तो फंसे गया हो बोल, पौड़ी से टीरी पहुंच गए हैं। पौड़ी बटे देहरादून बटे टीरी पहुंच गए। हाँ, आगे गाड़ियाँ खड़ी है और हम पैदल पैदल जा रहे हैं, हल्का फुल्का ऐसे ही वॉक करते करते, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था और गाड़ियाँ नीचे फिसल रही थी। वही बताया, जैसे मैंने बताया, जिस फर्स्ट केयर कैफे की तरह हो गया ये देहरादून का, जो फर्स्ट केयर कैफे है उसी की तरह। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब आई थिंक हमारा ये अभी टाइम कितना हो रहा है? भावना मुझे टाइम बता रही है, 1:30 बज रहे हैं। अभी 1:30 बज रहे हैं। वैसे हमारा प्लान था कि हम 11 बजे तक घर से निकल जाएंगे, लेकिन काफ़ी हर्डल्स आए बीच में, बट फिर भी हम पहुंच चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो लंच है वो बनेगा 3 बजे तक और हम खाएंगे 4 बजे तक। तो अब देखते हैं क्या होता है, बट विल एंजॉय दैट एंड स्टे ट्यून्ड। चलो चलो, अब हम सामान ले जा रहे हैं, हम तैयार हो। आप वहाँ से पानी बोतल निकालो, तो ये प्याज लहसुन ये देखिए, मुसाफिर भी हमारे साथ, याद हेल्प के लिए आया हमारे साथ। चलो चल।
কেন থিচদি যারা শিখা দেয় লোক দে তুমি কে কেনা আচ্ছা মিট নি খাবে হ্যাঁ গোলু ভাই বাবা ভেজ বালো কে আগে বলো আপ জানতে মানে চা থাকো আমারা চিকেন নন ভেজ বালো কে লিয়ে আর ইনে আলু আর মুলক খিচুড়ি যাকে তড়কা নে ডালু পর জিরক তড়কা চু না মিল ভাল চাকি না ফ্রিজ পর জিরক তড়কা চু আরে দে হপ্পাড় হ্যায় বলপাড় হ্যায় অঞ্জলি সাহুজি সাথ যাও মামা ঘুমনে
हम घर से ही एक बैगेज लेके आए थे प्लास्टिक का, ताकि जितना हमें पता था कि यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा काफी होगा, प्लास्टिक्स वगैरह होगा, तो इसलिए हम उसको इस बैगेज में भर के वापस लेके जा रहे हैं और इसको अपने जहाँ पे हम अपना अपने घर का कूड़ा डंप करते हैं वहाँ पे डंप करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी कहीं भी पिकनिक जाएं या घूमने जाएं तो अपने साथ एक बैगेज लेके जाएं। भाई सब सारा गंदगी नहीं करनी चाहिए। नेचर का हम मज़ा लेने आए हैं तो नेचर का मज़ा लें, और लेकिन अपने साथ एक इको पाउच या इको बैग जिसे बोल सकते हैं वो रखें साथ में, ताकि जो भी आप जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स, चिप्स के पैकेट्स या कुछ भी होता है तो उन सबको एक बैगेज में भर के वापस लेके जाएं और उसको अपने जो डस्टबिन है या डंपिंग जोन है वहाँ पे डंप कर सकते हैं।